So, dear students, after the book's exercises, and I hope you must visualize that what are you doing in your future life, and you must write some sentences. I hope you must write. आपने कुछ sentences लिख लिया होगा visualize करके कि आप अपनी future की ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं. इसको एक title भी दे सकते हैं, a day of my dream career. तो अभी नहीं परस्यू किया है, मान लीजिए आने वाले टाइम में तो परस्यू करेंगे. अगर डिटरमिन है, अगर आप उस पर वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल अचीव. अगर कोई काम नहीं हो रहा है उस पर, कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर आपका कोई गोल है, कोई मकसद है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अगर उसके लिए आज कुछ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं पर कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू विल रीच टू योर गोल, एम ऑफ लाइफ, डेफिनेटली विल रीच. और सिर्फ अगर सपने देख रहे हैं तो सपने देखने वाले सपने में ही रह जाते हैं, ठीक है, और कोई और सपने में रख ले जाता है, ऐसा ही होता है कि नहीं. तो बात करते हैं आज बुक एक्सरसाइज के बाद की एक्टिविटी की, दैट इज रनिंग कमेंट्री. रनिंग कमेंट्री में क्या होने वाला है, एक स्टूडेंट क्या करेगा, एक्ट करेगा, एक्टिंग करेगा, और एक्टिंग करेगा टॉपिक पे. चार टॉपिक हैं, फोर टॉपिक्स हैं. एक है क्रिकेट मैच, अ फुटबॉल मैच, अ सीन फ्रॉम द मूवी, जो मूवी हम लोग देख रहे हैं, फ्रॉम दैट मूवी यू आर गोइंग टू एक्ट अ सीन. आप गर्ल्स का एक्ट कर लेना, वो जो एक पर्सन है वहाँ पे जो डॉग को रिप्लेस कर देते हैं उनका एक्ट कर लेना, कुछ भी कर सकते हो आप. एक्टिंग आपके ऊपर है. अ सीन फ्रॉम द बुक, जो भी नॉवल या स्टोरी बुक आप पढ़ रहे हो उसमें से किसी कहानी के एक पोर्शन या हिस्से को आप एक्ट कर सकते हो ईजिली, ठीक है. तो सपोज दैट कि आप क्रिकेट मैच का एक्ट करोगे, सो यू विल सो शो लाइक दिस एंड देन यू, तो इस तरीके से कुछ एक्टिंग करनी है, कम से कम 30 सेकेंड्स या 1 मिनट का. और जब आप एक्ट कर रहे होंगे तो आपका पार्टनर जो सेकेंड स्टूडेंट होगा, दो लोग मिलके तैयार करेंगे. किसी एक को एक्ट करने को मिल सकता है और किसी भी एक दूसरे पार्टनर को कमेंट्री करने के लिए मिल सकता है. जो हमारी कमेंट्री होती है जो क्रिकेट में होती है, वो हमारी होती है इंग्लिश वाली, आप ध्यान देना सुनना. तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कमेंट्री करते हैं, दैट Now Sachin Tendulkar is going to catch the ball, but he was unable to catch. Now he was going to move forward towards his location. Now he is going to achieve that ball. And now, so जो ये commentary होती है, जो बोला जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ present continuous tense में बोला जाता है. जैसे कि now Rahul Dravid and Sachin Tendulkar are going to play this round, and this. This is a fantastic sixer by them. So, ये जो कमेंट्री होती है फुल्ली और फुल्ली प्रेजेंट कंटिन्यूस में होती है. तो चाहे वो क्रिकेट मैच का हो, चाहे फुटबॉल मैच का हो, चाहे हम किसी मूवी का डिस्क्राइब करें, सब कुछ मूवी देख कर आते हैं तब भी तो कहानी जो सुनाते हैं वो प्रेजेंट टेंस में ही सुनाते हैं. तो इसको आपको कोई एक सीन पर तैयार कर लेना है एक पार्टनर के साथ. एक पार्टनर क्या करेगा, एक्टिंग करेगा मुंह बंद करके, और दूसरा पार्टनर उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे, बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, कंटिन्यूसली बोलेंगे. जो बोलेंगे वो सारा कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बोलने वाले हैं. सपोज दैट नाउ एक पार्टनर इस तरीके से एक्ट करेंगे, दूसरा पार्टनर बोलेगा नाउ ही इज गोइंग टू Move is a very fantastic move, and now he is going to catch the ball, and this is a fantastic sixer. So, इस तरीके से commentary करनी. Commentary बोले तो जो भी कुछ आपके सामने scene हो रहा है उसको लगातार continuous बोलना, और किसे बोलना, present continuous tense में बोलना. I hope आपको समझ में आ गया है ये रनिंग कमेंट्री वाला एक्टिविटी. सो लेट्स डू दिस. ये बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है, और जब मैं एफ इंडिया में भी था या फिर एफ इंडिया में था तो बहुत मज़ा आता था ये एक्टिविटी करने में. बच्चे बड़ा इन्जॉय करते थे. आई होप आप भी इन्जॉय करोगे, पर इन्जॉय वह भी करोगे जब आप प्रिपेयर करके आओगे, है कि नहीं.